आज से लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बैठक में करेंगे शिरकत, द स्ट्रीममेंट का करेंगे उद्घाटन। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट अब भी चिंता का सबब, 41,000 नए संक्रमित मिले, फ्रांस में 5वीं लहर शुरू। लखनऊ में जीका वायरस की दस्तक, 2 मरीज मिलने से मचा हड़कंप, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से वाराणसी के दौरे पर जा रहे हैं। इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान वो कई कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज वाराणसी में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक लेंगे। इस बैठक के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए जीत का मंत्र भी दे सकते हैं। अमित शाह दोपहर करीब 1 बजे वाराणसी पहुंच जाएंगे। बैठक में शामिल होने के लिए अमित शाह शाम 5:20 पर दीनदयाल हैंडीक्राफ्ट संकुल पहुंचेंगे। बैठक के बाद यहां खाने के लिए बनारसी व्यंजन की व्यवस्था की गई है। माना यह जा रहा है कि यह बैठक 2022 चुनाव को लेकर भाजपा संगठन की अब तक की सबसे बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी शामिल होंगे। बैठक में यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, यूपी बीजेपी के प्रभारी राधामोहन सिंह के अलावा आगामी चुनाव के 7 सह प्रभारी, 6 संगठन प्रभारी भी शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में पूरे उत्तर प्रदेश से विधानसभा प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी भी शामिल हो सकते हैं। यानी कि जो असली चुनावी बुगुल है वो आज फूका जाएगा और गृह मंत्री अमित शाह आज वाराणसी पहुंचेंगे और यहीं से 2 दिवसीय वो यहां का दौरा करेंगे, कई जनसभाओं को संबोधित कर सकते हैं, एक बड़ी बैठक का वो हिस्सा बनेंगे। तमाम पदाधिकारी, तमाम यहां पर जिलाध्यक्ष भी मौके पर मौजूद रहेंगे। और ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी रूबी मेरे साथ जुड़ गई है। रूबी, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय यूपी दौरे पर आ रहे हैं। काजोल, देखिए सबसे पहले बता दूं कि अमित शाह थोड़ी देर में ही पहुंचने वाले हैं और खास तौर से जो पुख्ता इंतजाम है, खास तौर से सुरक्षा को लेकर, वो चाक चौबंद पहले से ही कर दी गई है, क्योंकि प्रशासन हो या अधिकारी हैं, जितने भी सब अलर्ट हैं। और कहा यही गया है कि अगर अमित शाह के प्रोग्राम में कहीं से भी कोई भी चूक होती है तो उस पर भी खास ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही साथ यहाँ पे चुनावी बिसात भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिगुल बज चुका है चुनाव का। और खास तौर से हम बनारसी की अगर हम बात करते हैं तो सबकी पैनी नजर इसी जिले पे ही होती है, क्योंकि पहले भी अगर हम चुनाव की बात कर रहे हैं तो उसमें भी पहले ही जो शंखनाद हुआ था उसमें भी पहले बनारसी को ही चुना गया था। लेकिन अब फिर एक बार अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सबकी जो नजरें हैं, विपक्ष हो अपक्ष हो, सबकी नजरें इस बात से सिर्फ वाराणसी पे ही टिकी हुई है। और कहा यह भी जा सकता है कि कुछ टाइम बाद पीएम भी पहुंचने वाले हैं। हालांकि अभी वो जो डेट है वो क्लियर नहीं की गई है, लेकिन ये जरूर सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब वाराणसी का जो दौरा होगा वो प्रधानमंत्री का भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो चुनावी बिगुल है वो बच चुकी है और आज काफी अहम ये प्रोग्राम माना जा रहा है। और इसके साथ ही साथ बीजेपी के जितने भी मंत्री विधायक है उनको भी कहा गया है वो भी पहुंचे और इस प्रोग्राम को खास तौर से बिल्कुल रूबी। और माना ये भी जा रहा है कि ये जो संगठनात्मक बैठक होने वाली है आज, अब तक की सबसे बड़ी बैठक होगी, क्योंकि यूपी का जो चुनाव है उस पर सबकी निगाह बनी हुई है। और अगर अमित शाह की बात की जाए तो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, क्या खास मूल मंत्र आज वो कार्यकर्ताओं को दे सकते हैं? देखिए, चाणक्य नीति तो पहले से भी अमित शाह ने बिछा रखा है और अभी भी अगर ये माना जा रहा है तो निश्चित तौर पे कहा ही जा सकता है कि वाराणसी में अभी भी कहीं ना कहीं एक बैठक अहम जरूर होगी, जिसमें वो रणनीति, वो मंथन होगा जो अब 22 के चुनाव को लेकर कहा जाएगा। कहीं ना कहीं ये साधना, यानी कि ये कह सकते हैं एक निशाना जरूर होगा कि विपक्ष को कैसे अपनी विकास को, अपनी योजनाओं को गिनाना होगा और कहीं ना कहीं जनता को भी एक लुभावन वायदे फिर से एक बार जरूर दिया जाएगा। हालांकि पूरा जो प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ योजना और विकास को ही लेकर माना जा रहा है, क्योंकि अहम बैठक कहीं भी अगर हम देखा है तो कहीं ना कहीं हर जगह पे विकास और योजनाओं को ही लेकर खास तौर से बात बताई गई है। हालांकि अभी वाराणसी की अगर दौरे की हम अमित शाह की बात कर रहे हैं तो अमित शाह कई भी जिले को पहुंचे हैं तो वहां पे उन्होंने 2 टूक की ही बात करी है, लेकिन विपक्ष को ही साधा है। बिल्कुल रूबी, यानी कहा जा सकता है कि आज का जो दौरा है वो बेहद अहम है, क्योंकि इसकी शुरुआत वाराणसी से हो रही है
और इसके साथ अगर बात की जाए तो इस बैठक में कौन कौन से बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं? देखिए काजोल, बैठक में शामिल होने के लिए हालांकि पहले से ही पहले प्रोग्राम पूरा फिक्स कर दिया गया था, योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे और इसके साथ ही साथ विधायक, मंत्री, बीजेपी के जितने भी वाराणसी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सभी को कहा गया है इस प्रोग्राम में पहुंच के इस प्रोग्राम को सफल बनाया जाए। विकास की बातें जो पहले ही से बताई जा रही थी, स्टेज पूरी तरीके से सज चुका है। इसके साथ ही साथ जनता को पहुंचाने के लिए एक अलग से व्यवस्था की गई है, गाड़ी के इंतजाम अलग से किए गए हैं। कुछ कार्यकर्ता को खासतौर से इसी बात पे ही लगाया गया है कि जो भीड़ है यानी कि जो जनता है वो वहां तक कैसे पहुंचे, उस प्रोग्राम तक पहुंचने के लिए जहां पे कार्यस्थल बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को बनाने के लिए पूरी तरीके से जाल बिछाया जरूर गया है। अब देखना ये जरूर होगा जो आज का प्रोग्राम है, खासतौर से अमित शाह के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें ये देखने को जरूर मिलते हैं भीड़ कितनी है। तो आज एक जरूर ये देखने को मौका मिलेगा कि आखिरकार अमित शाह का जो प्रोग्राम था, जो इतने पहले से हाय हल्ला प्रोग्राम को माना जा रहा था, आज आखिरकार कितना सफल हुआ है। ठीक है रूबी, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह आज वाराणसी पहुंच रहे हैं, दो दिवसीय यूपी दौरे पर। बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें बड़े चेहरे शामिल होंगे, यानी कि जो दाव पेच है इस चुनाव को लेकर वो आज ही रख दिए जाएंगे, आज ही समझ लिए जाएंगे कि आगे किस तरह से कदम रखने हैं और किस तरह से बढ़ना है।